मैं आपको धन्वंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान का सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धन्वंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले सुंदर जल से लीपन कर कर, वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग, आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर, तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें, एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकु से गिला कर स्वस्तिक का निर्माण कर, स्वस्तिक का निर्माण कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का क्वाइन नहीं हो, तो अपने घर का एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो क्वाइन ले लें महाराज, उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर, फिर उसका स्मरण करें, आटे के सात दिए बनाएं, एक थाली में एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी, लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे महाराज। घी के दिए लगा दें साथ, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें, एक दिया तेल का लगा लें, तेल का जो दिया लगाया है जहां पर आपने सिक्का रखा है, क्वाइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें, और जो सात दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा, वहां पर सातों दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रख, सुंदर थाली जो आपने पूजन के तैयार करी है उसमें फूंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमर बेल के टुकड़े, कमल गट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रख, जल का पात्र, सुंदर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें, क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें, दोनों क्वाइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी क्वाइन है उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें, पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है, एक दो पांच दस का जो सिक्का रखा है उसको लपेट, थाली में उसको रख लें, फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें महाराज। हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो दो सिक्के रखे हैं उनका पूजन कर, साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं, हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहे, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहे, चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ देवे, पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब
महाराज सात सुंदर आनंद से अमर बेल के टुकड़े, अमर बेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली, उसमें पत्ते नहीं होते, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती, वो अमर बेल कहलाती। ये अमर बेल लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, ग्रह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य आती है। ये अमर बेल को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप रूप किसी वृक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती। उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे अमर बेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारे घर में वैभव लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमर बेल के सात टुकड़े, कमल गट्टे सात, हल्दी की गठान सात, माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। सात बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित कर। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज घर में संपूर्ण पूजन कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। पूजन करने के बाद जो सात दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन सातों दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारे। उन सातों दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, माँ के पुत्र हैं, माँ आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है, पर भगवान शिव पर विश्वास कर कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर माँ भगवान शंकर का अनुमोदन कर हे माँ आप हमारे घर में विराजमान हो, आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो माँ। हे विभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान। सात दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए, फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर जो सात दिए आपने लगाए हैं उन सात दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहां पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग सात स्थान पर उन दीप को रख दिया है। एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करी, एक दीप वहां पर भी रखा जाए, जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास माता का स्थान, माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माँ कृपा सागर करुणा सागर माँ आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहाँ सदा विराजमान हो माँ, ऐसी कृपा कर। महाराज माँ से विनती कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना। आपने अगर धनवंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना। उसका भी ये लक्ष्मी अगर आप
धनवंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर रहे, पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा। ऐसी है माँ धन्वंतरी की पूजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि गुरुजी ने बताया धनतेरस की पूजन विधि सामग्री, इसी तरह आप लोग धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजन करते हैं तो आपके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, कमी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।